से पहुंची हीना खान। आप सभी जानते हैं कि कान फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है और जाने मानी अभिनेत्रियां जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत और भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यहां पहुंच चुके हैं और रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के बीच टेलीविजन कलाकारा और बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी हीना खान को भी कान फिल्म फेस्टिवल में देखा गया। तो आखिरकार क्या वजह है कि हीना खान कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंच गई हैं और रेड कार्पेट पर हीना खान के लुक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी तारीफें हो रही हैं। हीना खान यहां पर एक सिल्वर रंग का फ्लोर लेंथ गाउन पहनकर पहुंची थी जिस पर क्रिस्टल लगे हुए थे और हीना खान का मेकअप भी काफी सिंपल था। अब हम आपको बताते हैं कि हीना खान कान फिल्म फेस्टिवल में क्या कर रही हैं, क्योंकि ज्यादातर अभिनेत्रियां कान फिल्म फेस्टिवल में या तो अपनी किसी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए जाती हैं या फिर वो जिस कंपनी के लिए मॉडलिंग कर रही हैं वो कंपनियां उन्हें वहां भेजती हैं। लेकिन हीना खान यहां क्यों गई हैं क्या आप जानते हैं? तो हम आपको बताते हैं। दरअसल वो अपनी एक शॉर्ट फिल्म जो कि कारगिल पर बनी है उस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए यहां पहुंची हैं। हीना खान यहां पर एक सेशन भी अटेंड करेंगी और इस सेशन में उनका साथ देंगे एकता कपूर और प्रसून जोशी भी वहां मौजूद होंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।